भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी जो देश के लिए, समाज के लिए जो विचार करती है। नहीं तो आम तौर पर अधिकांश जो पॉलिटिकल पार्टी है देश के अंदर में, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, अपने बारे में विचार करते हैं, अपने परिवार के बारे में विचार करते हैं, और फिर काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है। और आज हम सब लोग इस झारखंड प्रदेश में देख रहे हैं तो आज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हम सबको पता है, प्रत्येक दिन हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि सही समय पर और सही निर्णय करके आज भारतीय जनता पार्टी में फिर से लोग जुटे हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और ताकत बनेगी। और झारखंड प्रदेश की जिन उम्मीदों की उन्होंने बात की, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाला कल जो झारखंड के लोगों की जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको हम सब लोग पूरा कर पाएंगे। क्योंकि वास्तव में आज इस प्रदेश में राज, यानी आज आप जहां कहीं भी जाएंगे, आज तो पूरे देश के अंदर में जहां कहीं भी लोगों के साथ आप बैठ करके बात करते हैं और लोग देखते हैं, पहचानते हैं कि झारखंड से आते हैं, तो लोग आश्चर्य करते हैं झारखंड में क्या हो रहा है। यदि आज झारखंड की जो चर्चा है, झारखंड की जो करप्शन की चर्चा है, झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा है, झारखंड में जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, किसकी जो चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। अभी सूरत को कौन बदलेगा, हम सब लोग मिल करके उसको बदलेंगे। और उसके लिए हम सबको अब पार्टी को और मजबूत करना है, क्योंकि आज जिस प्रकार के लोग इस राज्य के सत्ता पर बैठे हुए हैं, काबिज हैं, यानी प्रदेश को दीमक की तरह उसको कहते खोखला कर रहे हैं। अब जितनी भी खनिज संपदा है उसकी लूट ही नहीं रहे, लूटा भी रहे हैं, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, चारों तरफ लूट मची हुई। और सरकार के जो कर्मचारी पदाधिकारी जो है, उसमें से अधिकांश वैसे लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया है जो इस राज्य को लूटने में लगे हुए। और खनिज पदार्थ का ही नहीं, करप्शन नहीं, बल्कि यहां तो जमीनों की भी लूट मची हुई है। आप जहां कहीं भी, मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर खाली जमीन आप छोड़ करके कहीं जाएंगे तो वो भी आपका दखल कर देंगे। घर में को भी छोड़ करके अगर कहीं आप बाहर चले गए, लोगों को पता चला कि ताला बंद है, आने वाले देर से हैं, दूर गए हुए हैं, तो वो भी ताला तोड़ करके घुस जाएगा और कहेगा कि कोई नकली कागज भी बना देगा और कहेगा कि हम वर्षों से हम ही यहां रह रहे हैं। आप जहां कहीं भी जाएंगे दफ्तरों में कोई सुनने वाला नहीं। आज पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। और इसलिए मैं आज कहूंगा कि आप देख रहे हो कि झारखंड में किस प्रकार से चल रहा है, कोई सोच नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है इस प्रदेश के अंदर में किस प्रकार से मुख्यमंत्री अपने नाम से खनन की पट्टा लेते हैं, पत्नी के नाम से जमीन के लीज लेते हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके आसपास उपायुक्त है, वो भी अपने सगे संबंधियों के नाम से लोग ले रहे हैं। इस राज्य में मानो लूट के जिसको कहते कंपटीशन हो रही है। ये प्रदेश की हालत, पिछले दिनों आप सब ने देखा कि इस राज्य के एक भ्रष्ट ऑफिसर के ठिकानों पर पुलिस क्या कहते ईडी ने छापा मारा और पैसे बरामद हुए, लेकिन दर्द किन लोगों को हुआ, तकलीफ किन को हुआ, सत्ता में जो लोग बैठे हुए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, सहज ही समझ सकते हैं। यानी वो भ्रष्टाचार के तार कहां से जुड़ा हुआ, ये लोग कमा रहे हैं तो किन के लिए लोग कमा रहे हैं। तो आज ये हालत है इस प्रदेश की।
अगर झारखंड प्रदेश में ऐसे ही लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहेंगे तो कभी भी इस राज्य में विकास नहीं हो सकता है और इस राज्य में अमन चैन भी नहीं आ सकता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोगों का दायित्व बनता है इस सरकार को इस प्रदेश के उखाड़ फेंकना, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी, उसके लिए हमें तैयारी करनी। आज इसकी ये जरूरत है इस प्रदेश में। जब तक इस काम नहीं होगा इस राज्य से, नहीं तो आज जो सत्ता में, मैं तो कहता हूं कि इनके जो आज शिबू सोरेन के परिवार है, ये पूरे परिवार के अतीत भी देखेंगे वो लूट से ही जुड़ा हुआ है। शिबू सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन तक की लूट की कहानी है। जिस दिन भी ये जांच होगी तो मैं कह सकता हूं पूरा परिवार किसी न किसी दिन आप देखेंगे ये लोग जेल में दिखाई पड़ेंगे। आज इस राज्य की यह हालत लोगों ने पैदा कर दी। अरे लोगों को कहीं कोई प्रिय नहीं है, लोग लाग शर्म भी नहीं है, ये हालत है इस प्रदेश की। और इसलिए आज इस राज्य की जनता भी परेशान है। अब जनता भी छटपटा रही है, जनता भी ये महसूस कर रही है कि उनसे जो गलती हुई है। आज इन 28 महीनों में विकास का कहीं कोई काम नहीं दिखता है, कहीं विकास की कोई चर्चा भी नहीं होती है। चर्चा होती है तो बस लूट की चर्चा होती है। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में सब जो आज पार्टी में प्रवीण सिंह तालाब मारंडी और उनके साथ यहां इतनी तादाद में आप सब आए, क्योंकि वर्षों से साथ काम करने का भी मौका मिला है और हम सब लोगों ने एक साथ मिल करके काम किया है, तो मैं कह सकता हूं फिर उसी जोश और खरोश के साथ फिर इस प्रदेश में हम सबको काम करना है। और इस प्रदेश में आज जो सरकार है उसको हमें उखाड़ करके फेंकनी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।